Mob lynching concept you have in newspaper पढ़ते हो, it is much wider. It was started in America. America में start हुआ था, but फर्क ये है, in America it was based on racism, and India it was mostly based on religion. आपके जो exam में question है, three possibility है, वो ये है कि भाई what are the reason in India, और उसका अपना various loopholes है ना concern क्या है, उसके बाद they can ask you the solution. Solution में आप various effort taken by government और whether we need another law, जैसा आपने देखा कि various state are forming their individual law, तो क्या हमें और law की जरूरत है, तो quickly कर लेते हैं. आप समझ तो गए होंगे ना mob lynching, lynching का मतलब क्या होता है, मार देना without a trial. क्या बोल, ठीक है, तो मॉब का मतलब तो मॉब ही है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स. अब लिंचिंग का रिलेशन जो है दैट इज विद द हेट स्पीच, ये एक पॉइंट आपने जो डेफिनेटली जो इंक्लूड करना है, दैट इज हेट स्पीच. हेट स्पीच क्या होती है, प्रेजुडाइस या कोई भी है ना, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आईपीसी एंड रिस्ट्रिक्टेड इन आर्टिकल 19 ऑल्सो. अब हेट स्पीच से क्या इंक्रीज होता है, हेट क्राइम है ना, हेट क्राइम का एक पार्ट है दैट इज मॉब लिंचिंग. हेट क्राइम में तो वो भी आ जाते हैं जैसे वो कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे को मारो, लेकिन व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल है ना किल समवन दैट इज अ मॉब लिंचिंग. तो हेट क्राइम इज अ वाइडर थिंग एंड मॉब लिंचिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट. ये इतना समझ आ गया, हेट स्पीच पहले हर एक केस में देखो वेदर इट्स अ कॉज लॉटर, किसी ने तो बोला होगा भी वो मारो उसको जो आगे जो भी बोला होगा है ना, तो वो क्या थी हेट स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. जैसे जो वेरियस इंसिडेंट है इसमें वैल्यूडेशन आपका रहेगा द इंसिडेंट कि क्या हुआ है किस केस में क्या हुआ, ठीक है, तो हेट स्पीच से राइज हुआ. हेट स्पीच के बाद क्या हुआ, हेट क्राइम. हेट क्राइम का मतलब उसका पार्ट है दैट इज मॉब लिंचिंग. क्लियर, तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड मॉब लिंचिंग इन इंडिया, क्या क्या रीजन है. नंबर वन इज रिलीजियस पर्सनल, उसमें हाँ अदर में आ जाएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, पर्सनल लाइब्रेरी भी है, ठीक है, रिलीजियस एंड कम्युनल. रिलीजन की बेस पर है ना, कॉज लेटर इज ऑल्सो वी कैन से इज बेस्ड ऑन आर रिलीजन कि हाँ अगर वो मुस्लिम है और दूसरे जो मोस्ट ऑफ द केसेस है उसमें क्या हो रहा है गौ रक्षे. अभी मैं एक दिन दिल्ली गया था तो रास्ते में हरियाणा में वो गौ पुत्रा बन गया दीवारों पर लिखे हुए नीचे नंबर लिखे हुए है ना, तो मतलब ये है कि रिलीजन अलग है. तो आपको तीन चार पॉइंट डिस्कस करने ऑन द बेसिस ऑफ रियल इंसिडेंट ये हुआ गा, ठीक है. फर्स्ट ये रिलीजियस एंड कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल दादरी लिंचिंग, दादरी लिंचिंग केस क्या था 2015, मोहम्मद देखो मोहम्मद अखलक, मोहम्मद अखलक एंड हिज सन, मोहम्मद अखलक एंड हिज सन were accused of slaughtering and storing its meat for consumption तो ये इनके ऊपर accused है इसके, तो इसका result क्या हुआ, क्लियर, मतलब एक एक एग्जाम्पल बढ़ी है. सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन कास्ट,
कास्ट के ऊपर कोई है इंसिडेंट या केस वाज 2017 वेरी लिंचिंग इसमें क्या हुआ दिल्ली लिंचिंग 2017 रिक्शा ड्राइवर स्टॉप सम कॉलेज स्टूडेंट्स एक रिक्शा ड्राइवर ने कॉलेज स्टूडेंट को स्टॉप किया क्यों किया ये भी देखते हैं ठीक है स्टॉप सम कॉलेज स्टूडेंट्स हू वर इंटॉक्सिकेटेड एंड यूरिनेटिंग ऑन बॉल पब्लिक बॉल ठीक है The students got furious and lynched rickshaw driver. ठीक है? क्या हुआ? ये coincidence याद आ गया. The third one is other reasons. Your caste and लेकिन वो आपकी इच्छा है जो आपको पसंद आए वो डाल देना है ना वो अगर आप हाँ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर आपने एक दो और न्यूज़पेपर बनाते हैं यूके अदर्स थर्ड वन इज अदर्स अदर्स इसमें एग्जांपल है जो हाइलाइटेड केस है मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं दैट इज दीमापुर लिंचिंग दीमापुर कौन सी जगह पे है यूपी में हां जी यूपी और नागालैंड ठीक है नागालैंड में है यार एक्सेप्शनल केस देखो अ पर्सन नेम्ड सैयद फरीद खान इसको आप रिलीजियस में भी डाल सकते हो अ पर्सन नेम्ड सैयद फरीद खान क्या अदर रीजन अ पर्सन नेम्ड सैयद फरीद खान ठीक है वो भी है उसपे एक्चुअली किया भी होगा अरे जितने मर्जी लिखो अ पर्सन नेम्ड सैयद फरीद खान रेप्ड हिंदू गर्ल इसको आप रिलीजन में भी डाल सकते रेप्ड हिंदू गर्ल फुल स्टॉप अ ग्रुप ऑफ एंग्री मॉब एंटर्ड इनटू जेल एंड लिंच्ड हिम ठीक है ये तो एक होगी देन फोर्थ वन इज सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है आजकल तो ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है ना जब कभी आते हैं 2000 के नोट बंद हो रहे हैं ये मेरे को ऐसे ही होते हैं ना फेक न्यूज तो फेक न्यूज इंक्रीज इन फेक न्यूज देखो हाँ एक उसने कॉमन फैक्टर जो बड़ा अच्छा डिस्कस किया है वो कहते हैं कॉमन फैक्टर जो है मॉब लिंचिंग केस में है मोस्ट ऑफ द केसेस अकर इन रिमोट एरियाज ठीक है और रूरल एरियाज और जो परपेट्रेटर हैं और ये कैसे वायलेटर जो मॉब लिंचिंग करते हैं है ना काम में वो दोज मोस्टली बिलोंग टू अ पुअर फैमिली अनएजुकेटेड ठीक है इशू ये है कि जो 2017 का डेटा है ऑन इंटरनेट पेनिट्रेशन इन इंडिया
अगर रीसेंट रीसेंटली आया हुआ है जिसमें थोड़ा सा है कि अगर आपने एक लेटेस्ट गाना हुआ डालो वो ये कहता है कि रूरल इंडिया में 20% पेनिट्रेशन है इंटरनेट की और अर्बन एरिया में कितनी है 65%। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दीज फैक्टर, इसमें रिमोट एरिया में ज़्यादा केस हो रहे हैं, इसका मतलब सोशल मीडिया यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, बट रूरल एरिया में है ही पेनिट्रेशन 20% है ना। जो वायलेटर भी हैं दे आर बिलोंग टू पुअर फैमिली अनएजुकेटेड एंड रूरल एरिया दे आर ऑल्सो, इसका मतलब 20% इसमें भी इतना है ही नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई था। तो उसका आइडिया ये था कि इट मीन्स दैट अर्बन एरिया इज डिक्टेटिंग और हायर पॉलिटिकल लेवल इज डिक्टेटिंग दिस। अगर सपोज करो एक रूरल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कोई कॉस्लोटो का केस आ गया, न्यूज़ जाएगी ऊपर, ऊपर से फिर पूरा वो चलेगा। अदरवाइज अगर लोकली सर्कुलेट करनी हो, लोकल सर्कुलेट करने के लिए आपके पास इतनी इंटरनेट पर पेनिट्रेशन है, समझे आप? ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, जो लोकल लीडर है ना, जो जो कोई भी पत्रकार या कोई भी काम करते हैं वहाँ पर, उनके खुद के बच्चे कहाँ पे डेयरिंग फॉरन एंड न्यू दिल्ली, और जो दूसरे हैं उनके लिए गए वो पत्थरबाजी होंगे, है ना। तो इसी तरह इसलिए कि जो हाई क्लास है दैट इज डिक्टेटिंग द लोअर क्लास, क्लियर। सो इट इज नॉट ओनली बिकॉज लोअर क्लास इज अनएजुकेटेड, दे आर अनएबल टू डिफ्रेंशिएट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट। अब ऐसा थोड़ी आपने देखा कोई अमीर बंदा कोई बिजनेसमैन का बेटा ने मॉब लिंचिंग में देखा है ही नहीं, वो गरीब बेचारे हैं वही है, ठीक है। तो डिक्टेशन चलती है इसमें। नेक्स्ट वन इज पुलिस, नंबर फाइव इज पुलिस। पुलिस के केस में एक अभी एनजीओ का डेटा आया था, दैट इज दिल्ली बेस्ड एनजीओ का नाम है कॉमन काउज एंड सीएसडीएस, पढ़ा है किसी ने? हाँ जी, एनजीओ ने सर्वे किया कि पुलिस वालों से भी पूछ लेते हैं भाई पता है इनको कुछ नहीं, है ना। तो इसने दो डेटा निकाले, एक तो उसमें 35% अगर 100 का किया होगा 35% पुलिस पर्सनल वो एग्री कर गए कि हाँ मॉब लिंचिंग इज नेचुरल होनी चाहिए और उसने स्पेशल वर्ड यूज किया अनसरप्राइजिंग, कहता है ये अगर पुलिस वाले ऐसा सोचते हैं तो फिर क्या होगा, उनको पता ही नहीं मॉब लिंचिंग वो जैसे वो बोलते हैं मॉब लिंचिंग क्या नहीं करेंगे हम भी करेंगे नहीं। लिखो 35% ऑफ पुलिस पर्सनल थिंक दैट इट इज नेचुरल फॉर मॉब टू पनिश कल्प्रेट, इट इज नेचुरल फॉर मॉब टू पनिश कल्प्रेट इन केस ऑफ कॉज लॉ। ठीक है, कि गौरक्षित के केस में जो अगर 100 का इंटरव्यू दिया होगा तो उस सर्वे में ये आया कि 35% पुलिस वाले ने बोला कि ये नेचुरल है, ऐसा होना चाहिए कॉज लॉ के केस में कि मॉब लिंचिंग कोई बड़ी बात नहीं। सेकेंड 40 इन केस ऑफ कॉज लॉ, सेकेंड इज एंड 43% थिंक इट इज नेचुरल फॉर मॉब टू पनिश अक्यूज्ड इन रेप केसेस, कि रेप केसेस में भी ठीक है पनिश करना चाहिए, क्लियर। तो अगर हमारी पुलिस की ऐसी सोच है तो क्या होगा, अभी जो रिसेंट केस हुआ है क्या नाम था उसका, अंग्रेज कौन तरबेज अंसारी, तरबेज या तरबेज
तबरेज अंसारी यही है ना, तबरेज अंसारी। तो इसने केस किया, इसने केस हुआ क्या सर? इसको बाइक वगैरह चुराई थी ऐसा इसके ऊपर एलिगेशन है ना, पुलिस ने अरेस्ट किया इसको, इसके ऊपर केस किया और कस्टडी में इसकी डेथ हो गई। और जो उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है, कोई कहता कार्डियक अरेस्ट है मरा, तो कोई कहता दूसरी रिपोर्ट कहती है कि कार्डियक अरेस्ट या कोई भी इंजरी है ना, तो उसके कोई फिजिकल इंजरी होगी उसके बाद ही दूसरा केस हुआ। तो पुलिस के पास ऑप्शन था इसको ट्रायल करने के दो तरीके से, एक था 302 IPC, ये कौन सा है मैं पंजाबी गानों में एक तो यूजर मार मारता मर्डर है ना, एंड सेकंड इज 304 ऑफ IPC कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड ठीक है। दिस इज फॉर द मर्डर। अब इसमें जो पनिशमेंट है वो कितनी है, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। इस केस में कितनी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल प्लस फाइन, समझो। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि कोई मतलब अनइंटेंशनल वे से डेथ हो। पुलिस या तो केस 302 में एडमिट करती है ना, अगर 302 में करती तो क्या होता, डेथ के चांसेस थे, डेथ एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट जो भी हायर पनिशमेंट विल बी देयर। बट ड्यू टू वेरी फाइन लाइन बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, तो कल्पेबल में क्या है, तो ये इसको इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल है ना। तो पुलिस ने कल्पेबल होमिसाइड में, इसीलिए तो बोल रहा है अभी जो आर्टिकल भी आया कि भाई ये प्रोसीजर ही गलत है, मतलब अकॉर्डिंग टू पुलिस इट इज नॉट अ मर्डर। अब उसको वीडियो भी है मेरे ख्याल से उसकी, है ना, वो कोर्ट के साथ वो क्या कर रहे थे भाई, वो अनइंटेंशनल तो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना वो जा रहे थे रास्ते में तो आ गया तो मार दिया, है ना, वो इंटेंशनल ही था। तो वो कल्पेबल होमिसाइड में पुलिस ने इसको एडमिट किया, इट मीन्स ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग इन पुलिस, लैक ऑफ एजुकेशन और या फिर कोई पैसा पैसा दिया होगा वो तो अलग बात है। बट ये केस जो है पुलिस को एटलीस्ट कौन से केस में किस सेक्शन के अंडर इसको रजिस्टर करना चाहिए वो तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये केस जो रीसेंट था, ओके, कंसर्न नंबर हमारे मॉब लिंचिंग के केस लिख लो। वैसे मॉब लिंचिंग का एक बार याद रखना, अगर प्री में आपको क्वेश्चन आ गए NCERT मॉब लिंचिंग का डेटा देती है, ऐसा नहीं है, वो हेट क्राइम का डेटा आ जाता है, कभी कभी वायलेंस का डेटा आ जाता है NCERT में, ठीक है ठीक है। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट मॉब लिंचिंग का एक्स्ट्रा डेटा नहीं अलग से रिलीज करती, बट एक डेटा है मॉब लिंचिंग का अकॉर्डिंग टू विच 2005 में 5 केसेस आए थे, 2016 में 7, 2017 में 27 एंड 2018 में 52। तो आइडियाज के इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2015 में 5, 2016 में 7, 2017 में 27 एंड 2018 में 52। वही मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो IPC है, जो भी क्वेश्चन अराइज हुआ था, देखो राजस्थान ने अपना एंटी लिंचिंग लॉ ले कराई, और कौन सी स्टेट ले कराई, वेस्ट बंगाल और मणिपुर और बस, ओके। तो ये सारे एंटी लिंचिंग लॉ लेकर आए, लेकिन वो पास, वो तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री देखे, क्योंकि IPC की वो प्रोविजन को चेंज करेगा, है ना। तो आइडिया इज कि वेदर इंडिया इज नीडेड, जो आपको जैसे क्वेश्चन आएगा, वेदर इंडिया इज नीडेड अ न्यू लॉ और नॉट, तो ये आपको देखना पड़ेगा, न्यू लॉ चाहिए इंडिया को या नहीं चाहिए, चाहिए। अरे नहीं चाहिए, यही तो क्वेश्चन। देखो अगर आप कहीं लिखो भी हाँ चाहिए तो वो बनेगा कॉमन आंसर, अगर आपने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं चाहिए फिर बन गया आपका स्पेशल आंसर, यही मैक्सिमम यही लिखेंगे हाँ चाहिए। इस केस में क्या लॉ में प्रॉब्लम है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, अगर मैं बोलता हूँ यस इंडिया नीड,
उसका रीजन है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सुप्रीम कोर्ट गेम डायरेक्शन टू सेंटर दैट इनेक्ट अ लूपहोल. सेकंड आप जस्टिफाई कर सकते हो दैट इज मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन कहीं पर भी है. ठीक है, लोगों के केस में. अब इसमें आप एग्जांपल कौन सी दे सकते हो कि नहीं इंटरप्रेट ही नहीं किया है ना, तो हमें क्लियर उसकी इंटरप्रिटेशन चाहिए विच कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ न्यू लॉ और कैन बी अमेंडेड इन अ सेम लॉ, है ना, समझे. अब नहीं चाहिए में क्या आएगा, देखो पैरेलल लॉ पैरेलल प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो पैरेलल प्रोविजन में क्या होगा, जैसे एक लॉ ऑलरेडी इज देयर एंड वी आर क्रिएटिंग वन मोर, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन, इट विल क्रिएट अ मोर कंफ्यूजन. सेकंड, इसमें एक बड़ी सी केस स्टडी है तेलंगाना की. तेलंगाना में एक एसपी है जिसका नाम है रामाराजेश्वरी. इसने 500 पुलिस फोर्स को ट्रेन किया और रूरल एरिया में भेजा टू क्रिएट अवेयरनेस कि ये फजूल की बातें हैं ना जो सोशल मीडिया पे आ रही है. तो अल्टीमेटली वो बोलता है कि उसके बाद जो इसके एरिया में रामाराजेश्वरी एसपी जो तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है जोगू लंबा गढ़वा. देता हूँ अगर मैं बोलूँगा तो तब भी गलत ही लिखोगे. जोगू लंबा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना. ठीक है, ये एसपी है. शी ट्रेन अ टीम ऑफ 500 पुलिस ऑफिसर्स. देख लो, शी ट्रेन अ टीम ऑफ 500 पुलिस ऑफिसर्स टू टैकल फेक न्यूज. क्लियर, रिजल्ट क्या हुआ, नो रूमर रिलेटेड क्राइम और मॉब लिंचिंग एक्सप्रेसिंग जोगू लंबा डिस्ट्रिक्ट. क्लियर, रूमर. अफवाह जैसे 1857 में रूमर हुए थे, नहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन, yes. सारे हैं अभी भी. ठीक है, तो ये बेस्ट केस है कि इस केस में तो नहीं बोला. उसके बाद आप एफर्ट में क्या आएगा, एफर्ट भी आप इस साइड पर डाल सकते हो. एफर्ट में कौन कौन सी आई है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू स्टेट. अगर फेलियर में आया तो आप इसी डायरेक्शन को लिखोगे नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स. ये आई थिंक 2017 में आई थी, इसको स्टेट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन टू डिक्रीज द मॉब लिंचिंग. अब वो डायरेक्शन क्या थी पढ़िए किसी ने, के लिखवाऊँ, लिख लो जल्दी. डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट शुड अपॉइंट सीनियर ऑफिसर मतलब नॉट लोअर देन एसपी है, एज नोडल ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, उसके आगे आप ऐसे एरो डाल के देख लेना टू डिग्रीज लिंचिंग, वो आप ऐड कर लेना. मैं आपको मेन पॉइंट के तौर पर सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला, ईच पुलिस ऑफिसर विल हैव ड्यूटी टू डिस्पर्स मॉब. Which in his opinion, have a tendency of violence. कि जो पुलिस वाले को लगता है कि हाँ वायलेंस यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, उसकी ड्यूटी है वहाँ पर क्या करें, खदेड़े उनको. The next one is
central and state government have to broadcast a news on social media or any media, or any media platform that any kind of mob lynching, is a punishable offense. Next one is compensation plan for victim. कि स्टेट प्रिपेयर करेगी कंपनसेशन प्लान विक्टिम के लिए. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट वन इज फास्ट ट्रैक कोर्ट. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ. ठीक है, क्लियर. उसके बाद एक स्टेट ने भी एफर्ट किया अपने सेंटर में. सोशल मीडिया ने क्या किया, अच्छा व्हाट्सएप में क्या एफर्ट हुआ, सर पांच से ज्यादा, पांच की ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते. दूसरा एक ग्रुप में कितने हैं, कि मैक्सिमम 256 के एक ग्रुप में 256 से ज्यादा नहीं नंबर आ सकते. तो अभी चल क्या रही है प्रोसेस, अभी उन्होंने एनालाइज किया था, कहते जो 100-100 से ऊपर ग्रुप है ऐसे ग्रुप को ही मैसेज आता है. जैसे आपकी ये डीमोनेटाइजेशन हुई, उसमें क्या था, इतनी लिमिट सेट कर दी उन्होंने, जनधन योजना अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे डालकर अपने ट्रांसफर कर दिए. सिमिलरली इसके लिए मैक्सिमम 256 से हो गए थे 100 बना लेंगे, उसमें सिम तो फ्री मिलती है, क्योंकि जियो पर से है तो नाम तो जियो, लेकिन लोगों को मार रहा है ना. एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफर्ट किया था टू एस्टेब्लिश सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब. सेंट्रल गवर्नमेंट का एफर्ट था टू एस्टेब्लिश सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब. अब ये सोशल मीडिया को ट्रैक करने के लिए था. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू सर्विलेंस के, कि ये तो फिर लोगों की प्राइवेसी पर हो गया है ना सर्विलेंस. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड एंड ऑब्जर्व दैट Supreme Court rejected and observed that it lead to surveillance state. Surveillance state. एक और effort हुआ था last में. That is मासूका लो. ऐसे क्या गया चुमन लगा क्या? It is मानव सुरक्षा कानून. ठीक है, मानव सुरक्षा कानून. पूरा नाम है, इट इज अ कलेक्टिव नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग. कलेक्टिव नेशनल कैंपेन, जो लोगों ने कैंपेन की, ये एक लॉ बनाने की कोशिश की, ड्राफ्ट किया था इसको, बट इसके बाद कुछ हुआ नहीं. कलेक्टिव नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग. इसमें क्या था, इन्होंने बोला रीहैब विक्टिम, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, रीहैब विक्टिम, स्पीडी ट्रायल, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम. तो ये सारे इसे इशू किए. क्लियर, ठीक है. अच्छा, एक हेट क्राइम वॉच की एक रिपोर्ट लिख लो, दो लाइन लिख लो उसमें, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है. हेट क्राइम वॉच तो वार्ता है ना, एक वेबसाइट. इस रिपोर्ट में उसमें बोला गया है मुस्लिम हु कॉन्स्टिट्यूट 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, कि मुस्लिम 14% है इंडिया पॉपुलेशन में, है ना, वर विक्टिम ऑफ 60% ऑफ हेट क्राइम्स, कि जो टोटल इंडिया में हेट क्राइम होता है उसका 60% हेट क्राइम किस पर होता है, मुस्लिम पर. द सेकेंड इज क्रिश्चियन, इनकी पॉपुलेशन है 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और वो कितने केसेस उन पर हो रहे हैं, 14%.
ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि आई जस्टिफाई कर पाओगे दैट पुअर पीपल आर मोर विक्टिम, मुस्लिम पुअर 14% एंड 60% हेट क्राइम उन पर हो रहे हैं, क्रिश्चियन 2% हैं उन पर 14% केस हैं, हिंदू हैं 79.8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और इन पर केसेस कितने हैं 14%।